पाटी चिटनीस कल्याण या सगळ्या मान्यवरांचं एवं जोडीच्या वतीने सिद्धिविनायक क्रीडा नगरी अंजूर आणि केंद्रीय पंचायत राजमंत्री चषका मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। देखिए अजय गरत 12 गेंदों में 33 रन चाहिए। मेरा अपना मानना है कि ये जो ओवर है इसमें देसाई के बैट्समैन ज़रूर कोशिश करेंगे, करो और मरो का मुकाबला है, ऐसे तो मैच नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सोनार पारा ने जो अब तक बॉलिंग की है वहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज दबाव में आ गए, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। क्रिकेट में अगर सब कुछ निश्चित रहता, सर्टियन रहता, तो ना एवन जोड़ी रहती, ना ये चाम रहता, ना टीमें रहती, ना आप रहते, ना मैं रहते। यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इस खेल में प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। 12 गेंदे 33 रन, मैच में अभी भी रोमांच है और कहीं ना कहीं आशा की, मैं समझता हूँ कि आखिरी उम्मीद की किरण जो है वो जितेश पाटिल हो सकते हैं देसाई टीम के लिए। यस, आपसे बहुत सारे सवाल किए जीटीसी माइक के बारे में। अंपायरिंग जो हो रही है जेपी पैनल की, जय पवार पैनल की, अंपायरिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? लाजवाब अंपायरिंग हुई है। देखिए ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है सिद्दीक जी, ये लगभग अब 12वें दिन का लगातार खेल चल रहा है, तो शुभ आगमन होता है या ठिकाणी ज्या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेचे प्रणेते आणि अंजूरचे सन्माननीय विद्यमान उपसरपंच सुकेशदा डाकी यांचं त्यांचं कुरात आपण व्यासपीठावरती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। नाउ बॅक टू क्रिकेट, ओवर टू यू कम बॉक्स। अंपायर का जो जॉब होता है वो बहुत ही कठिन होता है। नेवर की शुरुआत सामना करेंगे जितेश। ड्राइव किया गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और एक आसान सा कैच, हैट्रिक पूरी हुई रिद्देश। यस, रिद्देश ने हैट्रिक पूरी की है। जब उन्होंने अपना पहला ओवर किया था तो आखिर की दो गेंदों पर दो विकेटें चटकाई थी, तो ये अब हैट्रिक, लगातार तीन विकेट्स। और इससे पहले सागर भुईर ने हैट्रिक की थी, रितेश ने दूसरा हैट्रिक किया है केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में, और इससे पहले सागर ने हैट्रिक की थी सरोली पाड़ा के। इसका मतलब है आज का दिन गेंदबाजों का दिन। कमाल कर दिया है रितेश ने और सही मायनों में मैच का रुख पलट कर रख दिया है। दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास था, सही पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज और एक आसान सा कैच वहां पर, मिड ऑफ के खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचे और उन्होंने कैच लपक लिया। काफ़ी समय था फील्डर के पास, दो हैट्रिक्स एक ही टूर्नामेंट में रिद्देश के खाते में। केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में ऐसा करने वाले एकमात्र गेंदबाज रिद्देश पाटिल। हालांकि सिद्दीक जी देखिए कैसा खेल पलटा है, रिद्देश जब गेंदबाजी के लिए आए थे तो उनके ऊपर इतना खतरनाक आक्रमण किया गया था प्रेम देवकर द्वारा कि पहली उनकी तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़े गए थे, लेकिन उसके बाद एक डॉट गेंद की, उसके बाद फिर उन्होंने प्रेम का विकेट चटकाया और वहां से खेल पूरी तरह से बदल गया है। अब 11 गेंदों में 33 रन चाहिए। इसका मतलब पोलार्ड ने सिक्सर जो 6 में 6 लगाए उससे पहले हैट्रिक किया था श्रीलंका के गेंदबाज ने, लेकिन इन्होंने बाद में हैट्रिक किया। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा उल्टा खेल चला है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बेहतरीन गेंद थी ये, बिल्कुल जड़ में, बॉलर की दिशा में केवल खेल पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। हावी हो गए गेंदबाज, हावी हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस दबाव से निकलना होगा देसाई के बल्लेबाज को, और इस दबाव से निकलने का एक ही तरीका है, आपको 1 से 2 बड़े शॉट खेलने होंगे। 20 गेंदों में 35 रन चाहिए थे, एक समय एक ही विकेट गिरा था। इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा, बल्ले का किनारा लगा था और विकेट का पतन। व्यासपीठ पूर्ण मान्यवरांनी भरलंय तर आपण काही सन्मानांकडे वळूया। भारतीय जनता पार्टी कल्याण शहर उपाध्यक्ष शत्रुघ्न भोईर यांना इथे त्यांचा आपण शुभ सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला असेल एवन जोडीचे शिलेदार सुकेशदा डाकी यांच्या शुभ हस्ते। तर शत्रुघ्न भोईर आपण या आपला शुभ सन्मान या ठिकाणी केला असेल आणि त्यांना आपण सन्मानित करतोय सुकेशदा डाकी यांच्या शुभ हस्ते। ताश के पत्तों की तरह पारी भी करती हुई मोटी देसाई की, 9 गेंदों में 33 रन चाहिए, मात्र 3 विकेट साथ में है। 4 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं रिद्देश पाटिल, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। नए बैटर संदेश आए हैं।
शत्रुघ्न भोईर भारतीय जनता पार्टी कल्याण शहर उपाध्यक्ष शुभ सम्मान होता है। नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, इस बार खींचा है ऑन साइड में, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, एक और बढ़िया कैच, एक और विकेट झटकते हुए रिद्धेश और उनका 5 विकेट हॉल पूरा होता हुआ। मेरे ख्याल से ये तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में 5 गेंदों पर 5 विकेटें लिए। ऐसा लग रहा है कि देसाई के बल्लेबाजों को घर जाने की जल्दी है, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं एक के बाद एक विकेट। निश्चित रूप से काफी ज्यादा जल्दबाजी की है बल्लेबाजों ने, हालांकि आप तो कोई चारा भी नहीं है, आप तो बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं। 8 गेंदे बाकी है, 33 रन चाहिए और केवल 2 ही विकेट्स बाकी है। और एक और बेहतरीन गेंद, इस बार देखिए फुल लेंथ था, रखा था इनसाइड एज लगा था, लेकिन किस्मत अच्छी बल्लेबाज की, गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकल गई पीछे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। कमाल का खेल है क्रिकेट का, मिडन ओवर डालने का मौका है यहाँ पर गेंदबाज के पास, और इस ओवर में 3 विकेट्स तो ऑलरेडी छटका भी चुके हैं, मिडन ओवर क्या होगा ये देखने वाली बात है। 7 गेंदे 33 रन, सामना करते हुए राकेश, लॉफ्ट करने की कोशिश, जोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए, विकेट तो नहीं मिला इस गेंद पर, लेकिन ये डॉट गेंद और इसके साथ ही ये ट्रिपल विकेट मेडन। यस थैंक यू, धन्यवाद एक मिनट के लिए रंजीत मात्रे साहब जो कि हमारे 3 बाइक के स्पॉन्सर है, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, और एडुकेट प्रथमेश मात्रे, दोनों का हार्दिक स्वागत। राजा भाऊ पाटकर भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख ग्रामीण, त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे, तर आपण या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत राजा भाऊ पाटकर यांना, कल्याण विभागातील अगदी फार मोठं असं व्यक्तिमत्व, सामाजिक कार्य असेल, राजकीय क्षेत्र असेल आणि क्रीडा क्षेत्राची दादांना अपार आवड आणि अनेक विभागामध्ये क्रिकेट प्रमोटसाठी नेहमीच त्यांचं फार मोठं योगदान असतं, असे राजाभाऊ पाटकर त्यांना आपण सन्मानित करतोय। थँक्यू।